कैसा लग रहा है सारा, लोग मेरी मिमिक्री करते हैं, आज मैं अपनी मिमिक्री कर रहा हूँ। इसकी माँ का साकी नाका। हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जाओ। आंटी पे खड़े लिए, आंटी बजा ले बार बार घंटी। सब सही है, दूध दही है। समझ नहीं आ रहा मैं वहां बैठूं कि एक्ट करूं यार। एक्चुअली एक्ट पहले तुषार करने वाले थे, हाँ। फिर इन लोगों ने तुषार को स्क्रिप्ट दी, इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर पूरी टीम ने बैठ के इनकी रिहर्सल देखी, फिर उन्होंने बोला कृष्णा तुम ही कर लो। लेकिन कमाल कमाल की फिल्में की तुषार ने, जैसे गायब, ये दिल, कुछ तो है, लव यू मिस्टर कलाकार। वाह 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 वाह। नहीं नहीं, इन फिल्मों का हमारे एक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चिढ़ाना नाम की भी कोई चीज होती है भैया। आफताब शिवदेसानी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आफताब ने 6 फिल्में की राम गोपाल वर्मा के साथ, जोरदार तालियां। वो अलग बात है कि उसके बाद राम गोपाल वर्मा ने सिर्फ 3 ही की। क्योंकि भैया लक होता है, लकी आदमी है। ग्रैंड मस्ती 100 करोड़ के ऊपर, जोरदार तालियां हो जाए। क्या है भैया, कवर भी तो करना होता, आगे भी काम करना हमको। ये नहीं है शो तक ही सीमित रह जाए हम लोग। खैर, कमाल की मेरी मुलाकात है इन लोगों से, मतलब मैं तुषार से मिलने के लिए गया बालाजी में। मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर गया, एक आदमी खड़ा, मैंने कहा भैया तुषार से मिलना है, कोई जवाब ना दे। मैंने कहा भैया तुषार से मिलना है, कोई जवाब ना दे। अबे मैंने बोला तुषार कपूर से मिलना है, बे थप्पड़ मार दिया मेरे को। मतलब बालाजी में मेरे को थप्पड़। जीतू जी को मैं पर्सनली जानता हूं, मैं जीतू जी को लेकर आया। मैंने कहा सर बोलिए सर, मुझे तुषार से मिलना है। जीतू जी भड़क गए, कहते अरे यार ताकियो ताकियो, ये क्या है, जब कृष्णा कह रहा है उसे तुषार से मिलवा क्यों नहीं देते। वो सामने वाला बंदा रोने लगा, कहते पापा आप भी मुझे नहीं पहचान रहे। खैर कब तक मैं स्टैंड अप करता रहूंगा, आज मैं भी बैठता हूं यहां पे दोनों के साथ में। अब थोड़ी देर में एक बुढ़ा यहाँ पर आएगा। हेलो सर जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। इधर क्या हो? आप ना दोनों एक नंबर के नले, एक नंबर के नले आदमी के साथ बैठे, शर्म नहीं आ रही? क्या बकवास कर रहा था मेरे बारे में? ए बुढ़ाऊ स्टैंड अप कर, चल। करता हूं। एक मिनट, तेरी औकात क्या है बता? 15 मिनट का एक्ट होता है, 5 मिनट आके डांस, ये एक एक्शन और आता है तेरे को क्या है? फिर 5 मिनट मेरे को थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि मैं कॉमेडियन हूं। लोग हंसते मेरे पे, मेरे रिएक्शन में तो ये हंसते, ये इसको लगता है मैं कॉमेडियन हूं। 3 मिनट फिर वो एनर्जी, हे जोर जोर चलिए हो जाए, जोर जोर चलिए हो जाए, कुछ नहीं। फिर बाकी बचे 2 मिनट, फिर हमारे सेट पे बिल्कुल शांति होती है। एक मिनट, शांति क्यों होती है हमारे सेट पे? पता नहीं, आती बाद में। ए बकवास बंद करो, क्या लगा के रखा यार आपने? अरे मेरी बात सुन, मेरी बात, हमारी पिक्चर आ रही है, पिक्चर की। अरे मेरी बात सुन, देख इनकी बात करता है, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दे के खास धरती पे भेजा है। अगर तुषार की बात की जाए, एकता कपूर बहन है, वो फिल्में बनाती रहेगी, ये सुपर डुपर हिट होते रहेंगे। अगर इनको देखा जाए, आफताब को, इनको चलो परमात्मा ने टैलेंट दे दिया, पैसा तो कभी भी आ जाएगा। सुनो मेरी बात, हेलो। और तेरे को तो तेरा मामा नहीं पूछता, मैं भी नहीं पूछूंगा, तो कौन पूछेगा तेरे को? ऐसे निवृत्त
मजा आ गया, आपकी फिल्म बहुत अच्छी थी। थैंक यू भारती, थैंक यू। लेकिन जैसे हीरो के साथ ये काम कर रही ना बेचारी, अजीब पजल ही होगी, मन ही नहीं करता था कुछ करने का, गलत चीजें करती, लंच बॉक्स में चिट्ठियां डाल दी और लेटर बॉक्स में खाना डाल दिया। उधर किसी की दादी मर गई, उसको लेटर पहुंचा, उन्होंने खोला, बीच में से बर्फी निकली, खानदान में झगड़े हो गए उनके। लेकिन कमाल की फिल्म थी, कमाल की फिल्म। एक बार जोरदार तालियां दीजिए। वैसे सर हमारी ये एयरलाइंस है, इसका नाम है ऑनेस्ट एयरलाइंस, यहाँ सब कुछ सच सच बोला जाता है, जैसे आपने पहले भी बोला है। आइए सर, आइए। हेलो हेलो, हेलो, वेलकम टू बोर्ड सर, आपका इंतकाल हो। मैडम आप पागल हैं, इंतजार होता है, इंतकाल नहीं होता है। नहीं नहीं सर, ये ऑनेस्ट एयरलाइंस है, यहाँ पे सच बोला जाता है, हम आपका इंतकाल कर रहे थे। सर आप पागल हो गए हो क्या, मतलब ये कैसी एयरलाइन, और आप एयर होस्टेस हैं? जी सर। इतनी मोटी एयर होस्टेस? मैडम इधर आइए, आपने उनको देखा है कितने फिट हैं, ऐसे इंसान के सामने आप एयर होस्टेस बनी हुई, आपको शर्म नहीं आती? अरे हम उनकी नकल नहीं कर सकते भैया, 9 बजे खाना खा लेते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे शूटिंग पे निकल जाते हैं। सर एक बात बोलो, हो तो आप हीरो लेकिन सारी हरकतें सरकारी क्लर्क वाली की हुए सर। मैडम आप मतलब कैसी बातें करे जा रही हैं? जी प्लीज सर बैठिए, आप गुस्सा मत कीजिए सर, बैठिए प्लीज, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। गुस्सा मत कीजिए सर, एक मिनट ये पकड़िए जरा। वाओ मैन, आते ही दारू शारू पिला रहे हो। तेरी पैंट दी टांग। नमस्कार। अरे साहिब, ओहो अपनी लैंग्वेज में, अरे फिनाइल था, मैं बाथरूम साफ करके आई थी, अभी आपको पकड़ाया था, मैं हाथ पोछने गई, ये पी गए, लाइए सर। तुम पागल हो क्या? सॉरी सर सॉरी, एक मिनट एक मिनट, पायलट आगे से लेफ्ट लेना प्लीज। ये कैसी वाहियात एयरलाइन है, मतलब ऐसे आगे से लेफ्ट कौन लेता है? अरे नहीं सर, वो मेरे बेटे की पतंग गड़ गई है ना, तो वो उतारनी है, मैं ना इसे दरवाजा खोलूंगी, आपको लटकाऊंगी, आपका पैर पकड़ के रखूंगी, पतंग ले लेना, हाँ फटनी नहीं चाहिए हाँ, वरना आपको फाड़ दूंगी। आज की बातें मत करो। जी सर। अक्षय जी से भी बात कर लो ना। अरे मैं तो अक्षय जी की बहुत बड़ी फैन हूँ सर, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है पता, खिलाड़ी 420, खिलाड़ी 786, स्पेशल 26, अच्छा पान वाले नाम क्यों है, कलकत्ता 120। क्या हुआ करण? नहीं कुछ नहीं, मुझे डर लग रहा है इनसे। क्यों? तू ऐसी बातें करेगी तो डर तो लगेगा ना, पार्टनर तो मैं दे रही हूं ना। अगली फिल्म में आप जब करेंगे ना तो प्लीज इसको भी सर शेव करेगा, इसको देखना एज ए हीरोइन ट्राई करना सर, मस्त कड़ाक लड़की लगता है ना। फिल्मों के बारे में बात करना। बेटा इसको एक बात बताऊं, इससे बर्दाश्त नहीं होता कोई इंसान पतला हो ना, इतना अच्छा शरीर है, कम से कम प्यार से उससे बात कर, जब से देख रहा हूं तब से उसकी बेइज्जती करी आ रही है। कितनी बार प्यार से, कितनी बार प्यार से बात की, फिर भी बंदा एक्टिंग ना सुधारे थे की करा दसो। मेरी बात सुन, 25 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूं, मैंने आज तक सुधारी है, और क्या क्या उखाड़ लिया उस सुधार के भी किसी ने। नसीब भी कोई चीज होती है। सुनो, एक्टर जो भी हो चलेगा लेकिन बंदा सही होना चाहिए। लेकिन सर आपने खिलाड़ी 420 में हेलीकॉप्टर में एंट्री वाली थी ना? हेलीकॉप्टर नहीं, प्लेन था वो। चलो सर सानू की पता है सर, मैंने नीचे से देखा, मुझे पता नहीं चला हेलीकॉप्टर के जहाज है, सर ऐसे आ रहे थे, मतलब क्या कमाल लग रहे थे सर। लेकिन सच्ची कहूँ सर, 3-4 हजार खर्च लेते सर, अंदर बैठ के आ जाते, पता कितना डर रही थी मैं कि अब गिर जाओगे। लेकिन सर आप में और शाहरुख में एक फर्क है, आप बेस्ट हो उससे, चाहे वो देख ले, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ सर। आप देखो हिम्मत वाले थे, जहाज पे खड़े होके आए, वो बंदा देखो उसने जहाज क्रैश होने का इंतजार किया, फिर जहाज ठंडा हुआ, फिर काजोल को लेके गाना गाया गेरुआ। खैर बाबा, सनी सर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भैया, क्योंकि जो आदमी हैंडपंप ऐसे उखाड़ लेता है वो गर्दन तो कैसे पकड़ेगा। इनका मारने का स्टाइल कमाल का है, लोग ऐसे चमाट मारते हैं या मुंह चमाट पे मारते हैं। खैर लेकिन फिर से जोरदार तालियां मेरे लिए, क्योंकि भैया हिम्मत चाहिए इनके सामने ऐसे बोलने की। भैया
है। दो चीज के लिए सनी सर बहुत फेमस है, एक तो अखाड़ा, दूसरा उखाड़ा। क्योंकि जिम में होते, एक दिन जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे तो इनके डैड आ गए, धर्म जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो धर्म जी कहने लगे, बेटा बहुत हो गया, अभी तू थक गया होगा। कहते, नहीं अभी सिर्फ मुझे 4 घंटे हुए हैं। तो डैडी ने बोला, मैं तेरे को नहीं, मैं डंबल को कह रहा हूँ, बहुत थक गया होगा, इतनी एक्सरसाइज करते। लेकिन सनी सर ऐसे हीरो हैं, किसी के सामने कभी भी नहीं झुकते। किसी ने कहा भैंस का दूध निकालो, झुकेंगे नहीं, इन्होंने भैंस उलट दी, ऐसे दूध निकालो। पहली बार किसी ने गांव में मिल्क फाउंटेन देखा था भैया। खैर सर जी, मैं यहां पर कोर्ट का केस लड़ने के लिए आया हूं, और वो भी दामिनी का। खैर भैया, दामिनी को यहां पर बुलवाते हैं, कैरेक्टर में भी मैं आ जाता हूं। ओए! सबसे पहले यहां पर मैं दामिनी को बुलाना चाहूंगा। बस बहुत हो गया, चल। सॉरी सर, हमने इसको दामिनी बनाया है, मुझे मालूम है आपको अंदर से गुस्सा आ रहा होगा। ये दामिनी, दा निकाल दो, मिनी है सिर्फ, मिनी। यार दामिनी, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, तुम क्या कहना चाहोगी? मुझ तुख्यारी की बस यही है अपील, कि हर केस में हो ऐसा ही वकील। यार ये इतना बड़ा हिट शो कैसे चला रही है यार? ऐसे डायलॉग है, फिर भी सर हिंदुस्तान का नंबर 1 शो है इनका। उसमें ये सरडा का रोल कर, नहीं नागिन का रोल, हाँ। नहीं नहीं, मैंने तो शक्ल देख के बोल रहा हूँ ना, सरडा गेंडुल। अब आपकी क्या करूँ तारीफ? तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ मिल रही है। जब से कॉमेडी नाइट बचाव शुरू हुआ है, लोग तारीफ ही के जा रहे हैं। क्या शो बनाया कृष्णा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरी जब बात आती है तो लोग कहते हैं तारीफ पे तारीफ, और जहां सुदेश की बात आती है लोग कहते हैं माय फुट माय फुट माय फुट। खैर, मैं अपने ऑपोजिशन पार्टी यानी चड्डा साहब को यहां पर बुलाना चाहूंगा, और ये चड्डा साहब जो है हमेशा मेरी बेताब फिल्म देखते रहते हैं। पता नहीं कहां पर है चड्डा। चड्डा साहब आइए। एक मिनट, ये मेरा स्टेप क्यों कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं स्टेप नहीं कर रहा, मैं पैदल आया हूँ, धूल चिपकी है, थोड़ा झाड़ लूं। आप लोग समझते नहीं हो, मजा आ गया आज आप आए हो, सबसे ज्यादा फायदा मेरे को ना, मेरा टैक्सी का किराया बच गया घर तक। यूं तुम इनसे लिफ्ट लोगे जाते समय? नहीं नहीं, इनकी फिल्में नहीं देखी? मुक्का मारते हैं बंदा कितनी दूर जाके गिरता है, मैंने तो मलाड तक जाना है, थप्पड़ भी मारेंगे पहुंच जाना है। बकवास बंद करो, देख नहीं रहे, मेरा लोहे का हाथ है। अच्छा, ये लोहे तो आपका अपना किधर है सर? बकवास बंद करो, ये बताओ कौन हो तुम? मुझे पहचाना नहीं आपने? मैं चड्डा। तुम चड्डा हो ही नहीं सकते। अरे ये देखो, माय लॉर्ड, बहुत बड़ी साजिश है ये। ये देखो। नहीं? बिल्कुल नहीं यार, इतना गंदा मुंह कैसे बनाऊं? अरे भाई, मैं चड्डा हूँ, चड्डा। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता कि ये चड्डा है। यार ये बंदा कैसे मानेगा? कोई बात नहीं, मैंने पक्का सबूत रखा, ऐसे कोई नहीं मानता। ये क्या? ये देखो चड्डा, ये मेरी पहचान है। बहुत बदतमीजी हो गई तुम्हारी। ये क्या, मैं बुजुर्ग बंदा हूँ, ओए ओए करके बात कर रहे हो? बेटा देखो, तरक्की करनी है तो ओए ओए मत करो। चड्डा साहब, अदालत में आप आए हो, मजाक बंद करो और केस पे आओ। ओके, हट जाओ पीछे, कटहरे के सामने मेरा थोड़ा पोज बनाओ। कमी के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं आपको सच्ची बताऊं, ये बहुत ही गलत लड़की है, इसके 4-4 बॉयफ्रेंड है, ये शराब पीती है, दारू पीती है और भी बहुत कुछ पीती है। एक मिनट, कल तो इसने हद कर दी, वैनिटी वैन में मैंने कृष्णा के साथ इसको 1 घंटा देखा। एक मिनट, बहुत गलत साजिश है ये, दामिनी के खिलाफ ये गलत साजिश है। अच्छा, ये दामिनी बनी हुई, मैंने तो अदा को बोला। बात हो गया तुम्हारा चड्डा, तुम भी मेरे साथ गलत बात कर रहे हो। मैं देख लूंगा तुझे, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारा देख लूंगा, मेरा हाथ पड़ेगा ना केस यहीं पे खत्म हो जाएगा चड्डा।